आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे HTML और CSS को उपयोग करके कुछ इस प्रकार से बटन को कैसे क्रिएट करते हैं। ये जो हमारी बटन है, लिंक बटन है, यहाँ पर एक मैंने लिंक लगा रखा है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो। तो चलिए देखते हैं इस लिंक बटन को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। लिंक बटन क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो HTML की फोल्डर थी, यहाँ पर एक मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा और इस फोल्डर का नाम दूंगा लिंक बटन। इस फोल्डर को ओपन करके तो देखेंगे अभी ये ब्लैंक है, इसमें किसी प्रकार की फाइल नहीं है क्योंकि न्यू फोल्डर क्रिएट किया है। राइट क्लिक करूंगा इस फोल्डर पर, ओपन विथ कोड कर देते हैं। हमारे सामने ये VS कोड ओपन हो जाती है। VS कोड ओपन होने के बाद लिंक बटन की जो मैंने फोल्डर का नाम दिया था यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें न्यू फाइल मिलती है, क्लिक करना है और index.html टाइप कर देना है। index.html टाइप करने के बाद HTML की इमेज के माध्यम से कुछ बेसिक कोड को इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कोड आ चुकी है। सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट है टाइटल, इसका नाम मैं दे दूंगा लिंक बटन, ओके सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिंक बटन था इसके अंतर्गत एक इंडेक्स नाम की HTML की पेज बन चुकी है। जैसे मैं इस पर दो बार क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं लिंक बटन यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब मैं आपको दिखा दूँ पुरानी हमारी जो पेज है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक हेडिंग देना है और एक पैराग्राफ लिखना है। इन दोनों पैराग्राफ लिखने के बाद इस बटन को हम क्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने पुराने वाले पेज पर जो न्यू पेज हमने बनाया था, और HTML के अंतर्गत एक हेडिंग मैं यहाँ पर देता हूँ, हेडिंग 3। सेव किया, एंटर की प्रेस करके एक पैराग्राफ दूंगा। सेव करूंगा। सेव करने के बाद चलते हैं अपनी पेज की तरफ। जैसे मैं इसे रिलोड करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब यहां पर एक बटन हमें क्रिएट करना है तो कोड की तरफ दोबारा चलते हैं। बटन क्रिएट करने के लिए जो कि हम लिंक बटन क्रिएट करते हैं तो लिंक बटन के लिए एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग के अंतर्गत ही हम लिंक बटन क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं लिंक बटन, सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपनी पेज को जैसे रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर एक लिंक बटन क्रिएट हो चुकी है। अब इस लिंक बटन को हमें कुछ इस प्रकार से बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी लिंक बटन है, माउस को पॉइंटर यहां जा रहा है तो इसकी कलर भी चेंज हो जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम करेंगे CSS अप्लाई, CSS कोड इसके अंतर्गत अप्लाई करेंगे और उससे पहले इसको एक लिंक बनाएंगे। लिंक के लिए हम हमेशा टाइप करते हैं HRF और यहाँ पर अपनी पेज का लिंक डाल देते हैं। सेव किया, लिंक जो फोल्डर हमारी बटन थी फोल्डर नाम से इसी की जस्ट पास क्लिक करके न्यू फाइल पर एक स्टाइल डॉट css की फाइल को क्रिएट करेंगे। स्टाइल डॉट css के अंतर्गत हम में देख सकते हैं हमारे पास जो एंकर टैग है, इस एंकर टैग को मैं कॉपी करता हूँ, स्टाइल शीट के अंदर चलकर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ऑन कर दूंगा। सेव करूंगा। अब हमारे पास जो स्टाइल डॉट css है, इस स्टाइल डॉट css पेज को इंडेक्स डॉट css पेज की लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए देख सकते हैं जहाँ हमारी टाइटल है जस्ट इसी के अंदर आते हैं और लिंक टाइप करते हैं। इसके अंदर RDL टाइप करना होता है और RDL के अंदर स्टाइल शीट हमेशा आपको ध्यान रखे लिखना होता है। स्टाइल शीट के बाद HRF यानी हाइपर टेक्स्ट जो हम पेज को लिंक करने के लिए कोड डालते हैं टाइप किए और हमारी इस स्टाइल डॉट css टाइप कर देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं हमारे देखिए इस वाले स्टाइल डॉट css पेज पर आ चुकी है जहाँ पर मैंने एंकर टैग दिया था। अब यहाँ पर मैं जो भी कोडिंग करूँगा वो ऑटोमेटिक हमारा इस पेज पर वर्क करेगा। ओके तो कोड की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर मैंने ए लिया, एक के बाद एक इसकी जो कीवर्ड आती है लिंक मैंने टाइप किया। लिंक के बाद मैं यहाँ पर जो कोड टाइप करूँगा देख सकते हैं, सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। एक बार आप दिखा दूँ, ये जो हमारी बटन है यानी हमने लिंक एंकर टैग बनाया है, इस एंकर टैग की बैकग्राउंड कलर हमें देना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड कलर और अपनी आवश्यकता अनुसार किसी एक ब्राउन बैकग्राउंड कलर को दे सकते हैं। जैसे कि मैं 4 4 3 3 6 कलर टाइप करता हूँ, एक कलर कोड होता है। टाइप करते ही सेव करना है। सेव करने के बाद जैसे इसे रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन की बैकग्राउंड में कलर हमें डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन बैकग्राउंड कलर जो हुआ है इसके साथ में इसकी जो टेक्स्ट ब्लू है इसको हम टेक्स्ट कलर वाइट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और सिंपल यहाँ पर कलर टाइप करेंगे। कलर के बाद हमें वाइट टाइप करना है। कलर वाइट मैंने टाइप किया, सेव किया
और इसे जैसे रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं इसकी कलर वाइट हो चुकी है। कलर वाइट होने के बाद हमारी इसकी पैडिंग देंगे। मैं चाहता हूँ जो हमारी ये बैकग्राउंड कलर है कुछ ज़्यादा इस टाइप से बन जाए, देखिए बटन बीच में है और कुछ इस तरीके से है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पैडिंग कलर करते हैं, यानी पैडिंग देते हैं। पैडिंग के लिए पैडिंग टाइप करना होता है और पैडिंग स्टार्टिंग में 15 पिक्सल, ये अपने आवश्यकता अनुसार आप टाइप कर सकते हैं 25 पिक्सल। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिलोड करके जैसे इसे रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी बटन कुछ इस प्रकार से बन चुकी है। बटन इस प्रकार से बनने के बाद अब दोबारा चलते हैं कोड की तरफ। अब हमारी जो टेक्स्ट अलाइगन है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइगन सेंटर करता हूँ। बटन को हमेशा हमें सेंटर में रखना है, फिर एंटर की प्रेस करेंगे। फॉन्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी फॉन्ट है ये कुछ इस प्रकार से है, इसे बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट अलाइन के बाद हम यहाँ पर फॉन्ट फिट कर देंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम दोबारा से रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी बटन ये बोल्ड हो चुकी है। इसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। बोल्ड होने के बाद अभी भी देख सकते हैं इसके नीचे अंडरलाइनिंग आ रहा है। इस अंडरलाइनिंग को हमें हटाना है। तो अंडरलाइनिंग हटाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हम यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन टाइप करेंगे और यहाँ पर नन टाइप कर देते हैं। नन टाइप करते ही क्या होगा, हमारी जो डेकोरेशन इस टेक्स्ट के अंतर्गत होगी आप देख सकते हैं क्लियर हो जाती है। यहाँ से जो अंडरलाइनिंग थी वो रिमूव हो चुकी है। अंडरलाइनिंग रिमूव होने के बाद अब यहाँ पर एक और टैग हमें टाइप करना होता है, जैसे कि किस प्रकार से आप इसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में कराना चाहता हूँ, इसको सिंपल टाइप करेंगे। अभी आप देख सकते हैं तो हमारी ये बटन कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो चुकी है ना। इनलाइन ब्लॉक लिखते ही हमारी जो ऊपर थी यहाँ पर थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो चुकी है। ये बटन हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसको जूम करके देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी ये बटन डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अब ये डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ माउस की पॉइंटर में जैसे यहाँ पर ले जाऊँ तो इसकी कलर हमारी चेंजेस नजर आए। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम हावर इफेक्ट लगाते हैं। हावर इफेक्ट लगाने के लिए अब जो एंकर टैग हमारी ओपन थी इसके अंतर्गत हमने लिंक कीवर्ड का उपयोग किया था। जस्ट जो क्लोज हो रही है इस क्लोज के बाहर ही हमें आना है और एक एंकर टैग के बाद हम यहाँ पर हावर इफेक्ट टाइप करते हैं। हावर टाइप किया। अब इसके बाद मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे हमारी माउस की पॉइंटर जाए तो एक बैकग्राउंड कलर आए, और बैकग्राउंड कलर क्या हो अभी फिलहाल के लिए मैं एक सिंपल व्हाइट कलर ले लेता हूँ। सेव करूँगा। सेव करने के बाद जैसे इसे रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं अब माउस की पॉइंटर जाते ही यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हो जा रहा है। अब इस कलर को मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ पर कलर जो है आप क्लिक करेंगे जो, और क्लिक करने के बाद ही इस प्रकार से एक पूरी कलर की पैटर्न ओपन हो जाता है। यहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी कलर अच्छा लगे आप यहाँ से कलर को चूज कर सकते हैं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा स्कोर की तरह चलते हैं, रिलोड करते हैं। अब माउस की पॉइंटर देखिए यहाँ पर जाते ही इसकी कलर चेंज हो चुकी है ना। तो जिस भी कलर में आपको चेंजेस करना हो इजीली यहाँ पर क्लिक करके उस कलर को आप अप्लाई कर सकते हैं। सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा रिलोड और देखिए। तो इस प्रकार से आप एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि लिंक बटन को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके साथ में मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक करूँ तो एक पेज हमारे सामने ओपन हो। जो पेज हमारे सामने ओपन हो तो मैं क्या करता हूँ एक पेज यहाँ पर ला लेता हूँ, जैसे कि हमारी वेबसाइट जो है 143format.com। इस वेबसाइट पेज को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो हमारे पास इंडेक्स थी यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे इसे रिलोड करते हैं तो रिलोड करते ही आप देख सकते हैं इसकी जो कलर था, कलर हमारी ये ब्लू हो चुकी है। लेकिन जब मैंने लिंक को पेस्ट किया है तो अब मैं चाहता हूँ जब हमारी विजिटेड हो यानी जब हमारी ये डिस्प्ले हो तो किस प्रकार की कलर डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहीं पर लिंक के बाद ही मैं यहाँ पर कामा की प्रेस करके विजिटेड टाइप कर दूँगा, यानी कि जिस कलर्स के हमारी ये लिंक है सेम उसी तरह हमारी कोई यूजर विजिट करे तो डिस्प्ले हो। और मैं इसे जैसे रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट ओपन होगी। क्लिक करने से पहले मैं चाहता हूँ एक न्यू टैब पर ये ओपन हो। न्यू टैब पर ओपन होने के लिए इंडेक्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर टारगेट हम सेट कर देते हैं कि अपनी पेज कहाँ टारगेट हमारी हो। तो यहाँ पर मैं सिंपल टारगेट टाइप करूँगा। टारगेट के बाद ब्लैंक टाइप कर देते हैं। सेव करते ही अब इसे जैसे रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लिक करते ही एक न्यू टैब यहाँ पर ओपन हुआ और इस प्रकार से उस न्यू टैब पर हमारी पेज डिस्प्ले हो रहा है। अब पुराने वाली टैब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर टैब है। तो इस प्रकार से आप एक लिंक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि लिंक बटन को हम कैसे क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।